जनवरी के पहले सप्ताह में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया है। वर्षा के पहले दिन सोमवार को सीजन का सबसे कम न्यूनतम तापमान 8.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दूसरे दिन मंगलवार को 10 डिग्री सेल्सियस हो गया और वही IMD ने पूर्वानुमान भी व्यक्त किया था जो बिल्कुल सटीक बैठा। जी हां, गरज चमक के साथ बुधवार को जनवरी की पहली बारिश हुई। बिल्कुल, जो पोस्ट मानसून सीजन हमारा है अक्टूबर से लेकर दिसंबर का, तो इसमें कम बारिश मिली है, वो -52% उसका वो रहा है। और मंथ वाइज भी देखेंगे तो दिसंबर में -75% कमी है, इसी तरह नवंबर में देखें तो करीब -66 की कमी है और अक्टूबर में भी -35 की कमी थी। तो तीनों महीने कमी रहे हैं और जो बारिश बर्फबारी जो थोड़ी बहुत मिली भी हैं तो वो अंदर के जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर है, तो उनमें ही थोड़ी बहुत एक्टिविटी मिली है। ये जो सीजन है पोस्ट मानसून, एक बार मानसून की विदाई जब हो जाती है तो उसके बाद एक्टिविटी इस सीजन में सबसे कम रहती है। तो जो अक्टूबर से दिसंबर का पीरियड है, अगर उसका आप नॉर्मल देखेंगे और सीजन के कंपेरिजन में, तो उसका बहुत ही कम है और सबसे कम बारिश इसी दौरान, या बर्फबारी जो है रिचेज में होती है वो इसी दौरान सबसे कम होती है। और ऐसे देखेंगे कि जो नवंबर मंथ है वो सबसे ड्राई मंथ है हमारा जो है, अगर उसका नॉर्मल देखेंगे और 12 मंथ के 11 मंथ के कंपेरिजन में, तो वो सबसे कम है। इसी तरह दिसंबर फिर नेक्स्ट मंथ है जिसमें कि कम रहती है एक्टिविटी जो है। और जो आपका अक्टूबर है वो क्योंकि मानसून की विदाई होती, थोड़ी बहुत मॉइस्चर रहती है तो उसकी वजह से थोड़ी अक्टूबर में एक्टिविटी मिलती है। तो ओवरऑल देखें तो मतलब इस सीजन में कम बारिश ऐसे भी होती है, पर ये कि जो नॉर्मल इस बार वो भी नहीं मिली है। तो उसके लिए 2-3 कारण आप ये कह सकते हैं कि जो पश्चिम विक्षोभ है उसके कारण ही ज़्यादा एक्टिविटी मिलती है। तो वो जो है कोई सिस्टम है यहाँ पर अच्छा कोई आया नहीं है, और जो उसका नॉर्मल ट्रैक उससे या नॉर्थ बॉडी मूव किए हैं तो यहाँ पर एक्टिविटी कुछ खास मिली नहीं है, छुटपुट एक्टिविटी अंदर के डिस्ट्रिक्ट में रही है। आगे भी देख रहे हैं तो अभी ये जनवरी का मंथ आपके 2 से 3 दिन हो गए हैं तो अभी भी ड्राई चल रहा है, और करीब करीब मैं 8 तारीख तक की अगर बात करूँ तो उसमें भी वो जो है एक्टिविटी अभी है नहीं उत्तराखंड पे, वो ड्राई रहने वाला है। जहाँ तक प्लेन्स की बात है तो वहाँ पर आप देख रहे हैं कि कोहरा मिल रहा है हरिद्वार और उधम सिंह नगर में, तो वो डेंस फॉग वहाँ पर चल रहा है और उसके 2-3 दिन अभी और आगे भी रहने की उम्मीद है, तो वो चीज़ देखने को मिल रही है। बाकी तो पहाड़ों में बात करें या और जगह बात करें तो मौसम ड्राई बना हुआ है, दिन में धूप निकल रही है। सुबह शाम के टेम्परेचर्स की बात करें तो नॉर्मल के आसपास वो भी चल रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा है नहीं, या अधिकतम भी देखें तो वो भी 1-8 डिग्री ऊपर नीचे सामान्य से है, अदरवाइज सामान्य के आसपास है। तो बारिश और बर्फबारी जरूर कम है जी। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान व्यक्त किया था कि 3 से 5 जनवरी तक आमतौर पर बादल छाए रह सकते हैं और हल्की बारिश भी हो सकती है। और अब बात कर लें आगरा की, तो शीतलहर और आसमान में छाए बादल की वजह से मंगलवार को हाथ कपा देने वाली ठंड रही। सुबह से रात तक गलन अधिक होने से लोग ठिठुरते रहे। प्रदेश के ठंडे शहरों में आगरा दूसरे नंबर पर रहा। प्रदेश में मुजफ्फरनगर 5.2 डिग्री सेल्सियस सबसे ठंडा रहा और मंगलवार को सीजन का सबसे ठंडा दिन और रात रही। मौसम विभाग का 4 से 5 दिन मौसम ऐसा ही बना रहने का पूर्वानुमान है और अधिकतम तापमान बढ़ने पर कुछ राहत जरूर मिल सकती है।